भाई 5 किलोमीटर तक पूरा रोड जाम है भाई, देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ओ माय गॉड, तो भाई ये है भारत का सबसे लंबी रोड टनल, देखिए कितना खूबसूरत शानदार यहाँ का नजारा। वाओ, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष चैनल में, तो कहते हैं आप लोग आई होप आप सभी होंगे मस्त होंगे। आज एक नंबर पचास दोस्तों, मैं आज निकल रहा हूँ जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो अभी मैं 1.5 किलोमीटर पैदल आ चुका हूँ भाई, तो अभी चलते हैं नेशनल हाईवे में। नेशनल हाईवे में पहुँचने के बाद अपने को लिफ्ट मिलेगा श्रीनगर के लिए, तो चलिए वो पीछे दिखाई दे रहा है वो नेशनल हाईवे है, चलते हैं हम लोग नेशनल हाईवे में, उसके बाद वहाँ से लेंगे लिफ्ट श्रीनगर के लिए। चलिए, तो दोस्तों मैं अभी नेशनल हाईवे के तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और जहाँ पे नेशनल हाईवे आए वहाँ से मैं ट्रक पिकअप ट्रैक्टर जो भी लिफ्ट मिले वहाँ से लिफ्ट लूँगा, फिर निकलूँगा उधमपुर, उधमपुर के बाद श्रीनगर, डायरेक्ट श्रीनगर के लिए लिफ्ट मिले तो डायरेक्ट श्रीनगर निकलेंगे, नहीं तो कम से कम पहले उधमपुर तक जाना है। उधमपुर यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है, तो चलिए नेशनल हाईवे के हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं और थक गया हूँ भाई मैं, अभी काफ़ी गर्मी है, पैदल आते आते दिमाग काम करना बंद करती है। तो गाइज यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, हम लोग अभी श्रीनगर वाले रूट में हैं और उधमपुर पहले पड़ेगा उसके बाद आएगा श्रीनगर, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ट्रक रुका हुआ है भाई, चलिए चलिए घूम के देखते हैं भाई, अगर लिफ्ट मिल जाए तो कम से कम उधमपुर तक के लिए। उधमपुर यहाँ से 70 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, तो चलिए जाके देखते हैं। यहाँ पे ट्रक तो रुका हुआ है, गली तरह से बन जाएगा बात। ये छोटा सा ब्रिज है। तो भाई कुछ ट्रक वाले ने तो अपने को लिफ्ट नहीं दिया, लेकिन थोड़ा से पैदल आगे आने के बाद अपने को लिफ्ट मिल गया और फाइनली मैं ट्रक के अंदर हूँ, देख सकते हो आप लोग। भाई 5 किलोमीटर तक पूरा रोड जाम है भाई, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ओ माय गॉड, अपने को उधमपुर के लिए लिफ्ट मिल गया था और मैं उधमपुर से आगे निकल चुका हूँ भाई, और यहाँ पे और देखते हैं लिफ्ट, क्योंकि यहाँ से अपने को जाना है श्रीनगर, और श्रीनगर यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है, तो चलिए देखते हैं लिफ्ट, उसके बाद यहाँ से सीधा श्रीनगर निकलेंगे। वो जो लिफ्ट दे रहे थे वो लोग भी जा रहे थे श्रीनगर, लेकिन वो लोग बोले कि हम लोग नाइट में निकलेंगे, तब आप क्या करोगे उससे अच्छा आप यही से दूसरा लिफ्ट देख लीजिए करके, उसके बाद मैं उस गाड़ी से उतर गया और फिर अब दूसरा लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, और तो चल के चलते हैं आगे, उसके बाद मंगेंगे लिफ्ट, क्योंकि इधर थोड़ा चक्का जाम है और बहुत लंबा चक्का जाम है भाई यहाँ पे, लगभग लगभग 3 किलोमीटर तक तो चक्का जाम था श्रीनगर। तो वो बंदा पूछ रहा है कहाँ जा रहा है करके, फिर देखते हैं और लिफ्ट मिल जाए तो भाई, यहाँ पे फिर चक्का जाम हो रहा है देखिए। तो ऐसा भाई यहाँ पे ना हर
एक किलोमीटर बाद, डेढ़ किलोमीटर बाद में चक्का जाम हो रहा है, क्योंकि इधर का गली बहुत ही पहाड़ों वाली है इस कारण। तो यहाँ पे देखिए सभी ट्रक पे वैसे ही, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चक्का जाम होते जा रहा है हर जगह पे। देखते हैं आप, हमें बनिहाल की तरफ लिफ्ट मिल गया और भैया ने हमें लिफ्ट दिया। भैया नाम क्या है आपका भैया? एहसान खान। एहसान खान भैया ने हमें लिफ्ट दिया है, लगभग लगभग 60 से 70 किलोमीटर लिफ्ट मिल गया भाई। थैंक यू भैया। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग भाई टनल से गुजरने वाले हैं और ये देखिए टनल। तो भाई आप जो सुरंग देख रहे हैं वो कोई छोटा मोटा आम सुरंग नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा सुरंग है, जो कि इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर। देखिए वीडियो में बने रहिए, कितना ज़बरदस्त लगेगा यह सुरंग।
सो फाइनली हम लोग टनल के बाहर आ चुके हैं गाइस। तो भाई जिस भैया ने हमें लिफ्ट दिया है 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो लेफ्ट साइड कट जाएगा और अपने को दूसरा लिफ्ट देखना पड़ेगा क्योंकि अपने को सीधा सीधा जाना है। तो भाई देखते हैं आगे जाके क्या होता है, अगर लिफ्ट ना मिले तो आगे तो रामबान जिले में ही अपने को स्टे करना पड़ेगा आज का नाइट। चलिए देखते हैं जाके। तो गाइस आज का रात मुझे यहीं पर स्टे करना होगा जो कि ये है रामबान, और यहाँ पर काफ़ी रात हो चुका है तो लिफ्ट मिलने में मुझे दिक्कत होगा, इस कारण आज का रात मैं यहीं रुकूँगा। तो यहाँ पर अपन भी जाके खाना वाना खाएँगे। विशाल भंडारा अमरनाथ यात्रियों के लिए ही है स्पेशल, और साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे जाके भोजन प्राप्त कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। चलिए आज का रात यहीं रुकेंगे। गाइस मैं अभी जहाँ पे स्टे किया था रामबान में वहाँ से निकल चुका हूँ और अभी मॉर्निंग के 5:30 बजे हुए हैं और देखते हैं यहाँ पे आगे जाके लिफ्ट मिलता है या नहीं। यहाँ पे तो फिलहाल भंडारा चल रहा है, वहाँ पे आके लोग भंडारे में नाश्ता पानी चल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं लिफ्ट मिले अगर आगे, तो फिर यहाँ से हम रामबान से निकलेंगे बनिहाल, बनिहाल से श्रीनगर। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे जाके लिफ्ट।